हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाली के नेशनल विंटर कार्निवल 2018 का आयोजन किया जा रहा है। इस विंटर कार्निवल का आयोजन 2 जनवरी से 6 जनवरी तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के नामी पार्श्व गायक व गायिकाएं भाग लेंगी। इसके साथ ही हिमाचल की प्रतिभा को भी मंच देने के लिए विंटर कार्निवल में वॉइस ऑफ कार्निवल और विंटर क्वीन का आयोजन किया जाता है। आयोजन समिति ने विंटर क्वीन के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम और वॉइस ऑफ कार्निवल के लिए 50,000 का इनाम रखा है। इसी के चलते मंडी में विंटर कार्निवल के ऑडिशन आयोजित किए गए। ऑडिशन में 30 प्रतिभागियों ने अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। विंटर कार्निवल की कल्चर कमेटी में आई टीम ने प्रतिभागियों की प्रतिभा को जांचा और उन्हें कुछ टिप्स भी दिए। इसके साथ ही विंटर क्वीन के लिए ऑडिशन में 15 सुंदरियों ने भाग लिया। सुंदरियों ने रैंप पर अपने जलवे बिखेरने के साथ जजेस के सवालों के जवाब भी दिए। विंटर कार्निवल की कल्चर कमेटी के चेयरमैन सतीश सूद ने बताया कि अब अगला और अंतिम ऑडिशन मनाली में होगा। अब सिर्फ इसके बाद मनाली में होगा। पहला हमारा 10 दिसंबर को शिमला गेटी थिएटर में था और 17 को हमने यहाँ रखा है और इसके पश्चात 2 तारीख को मनाली में ही ऑडिशंस जो हैं वो होंगे। ऑडिशंस हम सिर्फ विंटर क्वीन के और वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल के ही ऑडिशंस करवाते हैं। बाकी टीम्स हमारे पास पूरे इंडिया से आती हैं। लगभग 25 मेंबर एक टीम में होते हैं और उनका रहने खाने का प्रबंध हम लोग करते हैं और वो टीम जो है हर टीम को 13 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और हर इवेंट का जो है वो कैश प्राइज हमने रखा है और वॉइस ऑफ कार्निवल का जो प्राइज है वो 50,000, 30,000 और 20,000 है। विंटर क्वीन के लिए 1,00,000, 50,000 और 30,000 इनाम हम लोग देते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, अकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और विंटर कार्निवल का ऑडिशन मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे जजेस थे। वहीं ऑडिशन देने पहुंचे प्रतिभागी काफी खुश और उत्साहित दिखाई दिए। प्रतिभागियों का कहना है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन्हें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच भी प्राप्त होता है।